एंड हम हर एक दो एक दो दिन में एज सुन एज पॉसिबल वीडियोस अपलोड करते रहेंगे तो आप हमारे साथ जुड़िए हमारे साथ इस सेशन को देखिए अपने करंट अफेयर्स को और ज़्यादा बेहतर बनाइए ये करंट अफेयर्स को देखिए सुनिए इसके अलावा हमारी मैगजीन से उसको ज़रूर पढ़िए आपका करंट अफेयर्स नहीं छूटेगा ठीक है सो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट लेट स्टार्ट द सेशन एंड स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट इसरो सक्सेसफुली लॉन्च द पी एस एल वी ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल और पोयम इन टू ऑर्बिट नॉ सी देखिए ये वाला जो करंट अफेयर है इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है इंटरेस्टिंगली ये आपको कोई नहीं बताएगा मैं बताता हूँ आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पोएम द वर्ड पोएम ये ऐसे वर्ड्स होते हैं एग्जाम में जब पूछे जाते हैं तब आप कंफ्यूज हो जाओ कि यार ये पोएम का क्या लेना देना है इसरो के साथ है ना सो फॉर जस्ट टू कंफ्यूज यू दे शुड और दे मे आस्क यू क्वेश्चंस एंड ऐसा आप किसी भी पुराने uh, निकाल सकते क्वेश्चन पेपर जिसमें ऐसे कई सारे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पूछे गए हैं ना ये है क्या इट डेराइज द पावर फ्रॉम द सोलर पैनल माउंटेड अराउंड द पी एस ओ टैग एंड अ लाइन बैटरी देखिए ये इसके स्ट्रक्चर के बारे में है थोड़ा सा मोटा मोटा आप खुद भी पढ़ सकते हैं मुझसे सुन भी सकते हैं इट इज नॉट जो भी इंपॉर्टेंट चीज होगी मैं जरूर आपको समझाऊंगा कि ये चीज क्या है मूविंग ऑन इट नेविगेट्स यूजिंग फॉर सन सेंसर्स अम मैगनटोमीटर गायरोस एंड नैविक ना देखिए यहाँ चीज़ important. पर ये चीज इंपॉर्टेंट है सनसेंसर्स के थ्रू तो आपका समझ आ ही रहा होगा कि ये क्या चीज है ठीक है कि सेंसर्स लग रहे थे सनसेंसर्स दूसरा अब म, मै, मैक्टोमीटर अब देखो मैक्टोमीटर क्या है ये जो चीज है ये आपके आस पास के मेटल्स वगैरह जो भी आयनस या फिर जो भी तरीके के रॉक्स वगैरह आस पास आते हैं ना वो आपको बताता है कि ये यह यहां पर आ रहे हैं, आ रहे है, आ रहे आ रहे हैं, हैं, हैं। आ आ कई मूवीज़ में कई में आप देखते हैं उस तरीके से, से ठीक है? और नाविक, नाविक से है, है? और समझ आ रहा ये क्या आपका नेविगेशन मूविंग ऑन इट इज इंक्लूडिंग टू फ्रॉम इंडियन स्पेस स्टार्टअप डायग्नेट्रा फॉर मेकिंग मैप ऑफ स्पेस एडिएशन डेब्रिज एंड ऑर्बिट्स एंड थ्रू स्पेस फॉर फुलटेलाइट डेवलपमेंट लॉन्च डिप्लॉयमेंट ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विस देखिए यह चीज सिर्फ पढ़ लीजिए जो चीज इंपॉर्टेंट थी मैंने आपको बता दी है मूविंग ऑन द पी एस एल वी ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल इज अ प्लेटफॉर्म दैट विल हेल्प परफॉर्म इन ऑर्बिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग द फाइनल एंड अदरवाइज डिस्कार्डेड समझ आ रही है आपको ध्यान से मेरे साथ सुनिएगा समझिएगा प्रॉब्लम कहीं नहीं आएगी आप मेरे साथ समझिएगा स्टेज ऑफ इसरो पोला सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल देखिए यहां पर क्या लिखा गया है PSLV Orbital Experiment Module, remember, Experiment Module, okay, what it is? Experiment Module is a platform that will help perform in orbit experiments. Again, experiments using the final or otherwise discarded. Jamega to rakhenge nahi, jamega nahi rakhenge. सीधी सी बात. ठीक है, <laughs> मैं इसी language का इसलिए use कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में अच्छे से चीजें बैठें. Moving on, it has a dedicated navigation. स एंड कंट्रोल एन देखिए ये जो शॉर्ट शॉर्टफॉर्म्स रहते ना ये सब आप जरूर हमेशा याद रखिएगा फॉर एल्टीट्यूड स्टेबलाइजेशन आई डोंट थिंक इसमें कुछ समझाने लायक है, है आपको तो जरूर समझ आ रहा होगा विच स्टैंड फॉर कंट्रोलिंग द ओरिएंटेशन ऑफ एन एरो व्हीकल विद इन परमिटेड लिमिट्स ओके जो चीज इंपॉर्टेंट थी एक्सपेरिमेंट्स की को याद रखिएगा ये एक्सपेरिमेंट्स मॉड्यूल है मूविंग ऑन द नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट देखिए ये करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये आई से रिलेटेड है ठीक है जब भी आपका गवर्नमेंट स्कीम ठीक है इंटरनेशनल रिलेशंस और आज के टाइम में तो ट्रेंड चल रहा है काफी टाइम से यूपीएससी स्पोर्ट्स से जरूर पूछ रही है हम खैर कवर करेंगे तीनों को हाल फिलहाल अभी यह है आपके आई का सो मूविंग ऑन द यूएस एंड इट्स एलाइज यूएस ने कई सारे एलाइज बनाए ठीक है तो अभी हम फिलहाल किसकी बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जापान एंड द यूनाइटेड स्टेट किंगडम्स देखिए एक चीज याद रखिएगा ये जितने भी मैं आपको बोल रहा हूँ ये वर्ल्ड मैप में आप देखते देखते सुनिए इस चीज को ये वाला जो टॉपिक करंट अफेयर्स का इसको देखते देखते सुनिए हैव लॉन्च पार्टनर्स इन ब्लू पैसेफिक इनिशिएटिव ये ब्लू पैसेफिक जो है ब्लू पैसेफिक पी बी पी मैं फिर से कह रहा हूं पार्टनर्स इन ब्लू पैसेफिक पी बी पी ओके मूविंग ऑन इनफॉर्मल मैकेनिज्म टू सपोर्ट पैसेफिक आईलैंड एंड टू बूस्ट डिप्लोमैटिक एंड इकोनॉमिक टाइज इन पैसेफिक रीजन सीधी सी बात है कोई भी अलाया बनाया है तो एक दूसरे के फायदे के लिए होगा क्या फ़ायदा है तो बूस्ट करना डिप्लोमेटिक रिलेशन से एक दूसरे के साथ इकोनॉमिक टाइम्स इन द पैसिफिक रीजन पैसिफिक रीजन कहाँ है जल्दी से जल्दी अपने वर्ल्ड मैप में ज़रा देखिए साथ साथ आपको पता चलता रहेगा मैपिंग बहुत ज़रूरी है इसलिए मैपिंग यूपीएससी में नहीं छोड़ेंगे अभी हाल फिलहाल जस्ट इसी वक्त भले ही पॉज करिए वीडियो एंड सी वेयर इज द पैसिफिक आइलैंड्स एंड वेयर इज द पैसिफिक ओशन है नॉर्थ पैसिफिक साउथ पैसिफिक सब देखिए कहाँ है ग्लोब में देखिए मैप में देखिए लेकिन जरूर देखिए आगे मूविंग ऑन स्पीक्स ऑफ एनहैंसिंग प्रॉस्पेरिटी स एंड सिक्योरिटी ठीक है सिक्योरिटी जैसे कि मैंने बोला एक दूसरे के फायदे के लिए इन द पेफिक्लोजर को ऑपरेशन शुरुआत में बिना पीछे या बिना कुछ करें बताइए क्या कमेंट सेक्शन में टूगेदर एट इंडिविजुअली विल डायरेक्ट मोर रिसोर्स टूट द पेसिफिक आयल काउंटर चाइना अग्रेसिव आउटरीच क्या लिखा है ये अल्टीमेटली तीन चार कंट्रीज जो है वो किसके लिए है चाइनासिव आउटरीच के लिए है किसके लिए है चाइना के लिए क्योंकि चाइना देखिए सिर्फ चाइना हमारे इंडियन ओशन की तरफ नहीं है जो उसके तरफ चाइना आप देखिए चाइना की तरफ जो मेन चाइना जहां पर पॉपुलेशन मेन रहती है उसकी तरफ इंडियन ओशन पास में है या फिर पैसेफिक ओशन पास में है खुद देखिए तब आपको समझ आ जाएगा कि क्यों ये लाइ बनाया गया है ओके मूविंग ऑन मेंबर्स विल एलिवेट पैसेफिक रीजनलिज्म रिमेंबर इट इज क्या कह रहा है ये एलिवेट पैसेफिक रीजनलिजम ओके एंड फोर्थ स्ट्रॉगर टाइज विदिफिक्स फॉरम देखिए जो जितने भी वहाँ पे जैसे ये आपका चाइना है ठीक है ये ऑस्ट्रेलिया हो गया या न्यूजीलैंड हो गया या यूएसए आ गया ये जापान है ठीक है ये छोटे 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 यहाँ छोटे 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 ये जो आइलैंड है ठीक है यहाँ पर सभी जितने भी कंट्रीज है ये सब चाहते हैं अपना अपना डोमिनेशन चाइना काफ़ी डोमिनेट कर रहा है आज के टाइम में इसीलिए चाइना से हमने पहले कहा और सिर्फ हम नहीं बाकी की कंट्रीज भी कह रही हैं मूविंग ऑन एरियाज ऑफ कोऑपरेशन इंक्लूड्स क्लाइमेटिक क्राइसिस कनेक्टिविटी एंड ट्रांसपोर्टेशन मरीन टाइम सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन हेल्थ प्रॉस्पेरिटी एंड एजुकेशन देखिए हेल्थ प्रॉस्पेरिटी एजुकेशन को छोड़िए बाकी ये जो चीज़ है ठीक है क्लाइमेट क्राइसिस ओके आपने बड़ा भला सोचा क्लाइमेट क्राइसिस लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कनेक्टिविटी ट्रांसपोर्टेशन मरीन टाइम सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन कनेक्टिविटी ट्रांसपोर्टेशन मरीन टाइम सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन कनेक्टिविटी ट्रांसपोर्टेशन मरीन टाइम सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन ये याद रखिएगा मैं फिर वो ना क्लाइमेट क्राइसिस ओके हेल्थ हेल्थ एजुकेशन प्रॉस्पिरिटी ओके लेकिन ये तीन चीज़ें आपको नहीं भूलनी है मूविंग ऑन अदर इनिशिएटिव टू काउंटर चाइना इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ग्लोबल गेट वे यू पहले मैं आपको ये बता दूँ इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो थी आपका ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जापान यूनाइटेड किंगडम ठीक है इन लोगों ने क्या ना बनाया पार्टनर्स इन ब्लू पैसिफिक क्यों बनाया चाइना के लिए बनाया चाइना एग्रेशन के लिए बनाई है सब देखिए प्रॉस्पेरिटी रिलायंस सिक्योरिटी इतने सारे कंट्रीज मिलके एक दूसरे के लिए तो नहीं करेंगे ना ये सब चाइनीस एग्रेशन के लिए जो कि क्लियर कट लिखा भी ये चीज़ याद रखिएगा ठीक है कनेक्टिविटी ट्रांसपोर्टेशन मरीडा सिक्योरिटी क्योंकि ट्रेड वहाँ से बहुत ईजी हो सकता है छोटे छोटे आइलैंड के बीच में से आप मैप में देखेंगे आपको समझ आएगा मूविंग ऑन द प्राइम मिनिस्टर हैज़ पार्टिसिपेटेड इन द उद्यामी भारत प्रोग्राम ओके रिमेंबर दिस थिंग देखिए जितनी भी मैं आपको एक चीज़ कह दूं और ये चीज़ अपने दिमाग में बिल्कुल आप रख लीजिए कि जितने भी प्रोग्राम जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया निकालती है स्कीम्स हो गए आपके है ना स्कीम्स प्रोग्राम्स ठीक है ये जितनी भी चीज़ें रहती हैं जो गवर्नमेंट से रिलेटेड होती हैं इन चीज़ को आप हमेशा याद रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ठीक है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मैं आपको एक कनेक्शन बताता हूँ कि मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ वाई आर यू प्रिपेयरिंग फॉर यू ओके फॉर अ जॉब विथ जॉब इट्स अ गवर्नमेंट जॉब

मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ठीक है याद रखिएगा आपको हमेशा इनके ये आपको इकोनॉमिक्स में पॉलिटी में ये एमएसएमई बार 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 आएगा आपको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए मूविंग ऑन इनिशिएटिव्स लाइक मुद्रा योजना ठीक है मुद्रा योजना क्या है मुद्रा योजना जो है एट अप्रैल टू थाउजेंड एंड फिफ्टीन मैं लिख देता हूं मुद्रा योजना कब आई थी तो एट अप्रैल को आई थी टू थाउजेंड एंड फिफ्टीन इसको लॉन्च किया गया था फ्रॉम आर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ठीक है जो कि प्रोवाइड करता है टेन लैक्स टू नॉन कोऑपरेटिव पीपल बाय कमर्शियल बैंक्स ठीक है और स्मॉल फाइनेंस माइक्रो एंट्रप्राइजेस इन लोगों को पैसे देने का काम करते हैं इन, लो, इन लोगों को लोन्स देने का काम करते हैं इनका ज़मीन नहीं होती है जिनको कुछ स्टार्ट करना है ओके फॉर देम दैम क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम्स स्कीम ऑफ फंड ऑफ रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज ट्रेडिशनल इंडस्ट्री से आपको समझ आ रहा है लूम्स वगैरह हैंडलूम्स वगैरह और जितने भी आपके आर्टिस्टिक uh, पुराने जो इंडस्ट्रीज़ होते थे हाथ से चरखा वगैरह ये सारी चीज़ें ठीक है लॉन्च टू प्रोवाइड नेसेसरी एंड टाइमली सपोर्ट टू द एम एस एम ई सेक्टर मूविंग ऑन अदर की इनिशियटिवस लॉन्च दूसरे रेजिंग एंड एक्सलरेटिंग एम एस एम ए परफॉर्मेंस देखिए बहुत जरूरी है टाइम टाइम के साथ आपको एक्सेलरेट करना पड़ता है ठीक है तो स्कीम इट एम्स टू स्केल अप द इंप्लीमेंटेशन कैपेसिटी एंड कवरेज ऑफ एमएसएमई इन द स्टेट विद इम्पैक्ट इनहेंसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग एम एस एम ई स्कीम सीधी सी बात है उसको और बेटर करना और पॉलिश करना विल कॉम्प्लीमेंट द आत्मनिर्भर भारत अभियान फर्स्टरिंग इनोवेशन इंकरेजिंग आइडिएशन इंक्यूबेटिंग इंटरप्रीनरशिप बाई डेवलपिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इंडस्ट्री फोर पॉइंट कंपेरेटिव एंड सेल्फ लाइट कैपैसिटी बिल्डिंग ऑफ फर्स्ट एमएसएमई एक्सपोर्टर्स स्कीम क्या है स्कीम इट एम्स टू एनकरेज एम एस एम ई टू ऑफर प्रोडक्ट एंड सर्विस ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर ग्लोबल मार्केट ठीक है यहां का की वर्ड का की वर्ड क्या है ग्लोबल मार्केट ठीक है कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर द फर्स्ट टाइम एम एस एम ई एक्सपोर्टर्स कहां एक्सपोर्ट कहां करना है तो ग्लोबल मार्केट में एक्सपोर्ट करना है रिमेंबर मूविंग ऑन प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम ओके इट इंक्लूड्स इंक्रीज इन मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट रुपीज फिफ्टी लैक्स फ्रॉम ट्वेंटी फाइव लैक्स डबल कर दिए भाई साहब ठीक है इंक्रीज कर दिए मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट पहले कितनी थी ट्वेंटी फाइव लैक्स अब कितनी हो गई है फिफ्टी लैक्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उनके लिए ट्वेंटी लैक्स कर दी गई है समझिएगा फॉर अवेलिंग हायर सब्सिडीज ठीक है सीधी सी बात है यहाँ पर पहले जितना था उससे डबल कर दिया गया डबल देखा हुआ हेराफेरी मूवी से याद रखिएगा पहले 25 लाख था 50 लाख कर दिया किसके लिए करा मैक्सिमम प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट कॉस्ट पहले कितना था 25 लाख उसको कर कहते 50 लाख फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पहले कितना था 10 लाख अब कितना कर दिया बीस लाख सो रिमेंबर दिस थिंग्स यू शुड मतलब ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं आपको बताता चाहूंगा कि क्या आपको तो याद रखने की और क्या नहीं और कैसे सुनने की मूविंग ऑन द क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट्स सिटीज रैंकिंग ट्वेंटी रिलीज बाई ग्लोबल हायर एजुकेशन कंसल्टेंसी क्विज देखिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है अगेन मैंने आपको क्या कहा था थोड़ी देर पहले आई आर आई एम पी रिमेंबर ओके सो ये क्या है हम आगे देखते हैं फाइंडिंग्स क्या है इसकी तो मुंबई रैंक 103 हैज इमर्ज एज इंडियाज हाइएस्ट रैंकड स्टूडेंट सिटी नाउ पहले मैं आपको बता दूं कि एक वन हंड्रेड एंड थर्ड रैंक आई है हमारी वो भी कौन सी सिटी की तो मुंबई की The other cities ranking including at सिटीज रैंकिंग इंक्लूडिंग बैगलुरु एट हंड्रेड एंड फोर्टीन चेन्नई एंड न्यू डेली ये तो हमने हमारी बता दी लेकिन पूरे वर्ल्ड में नंबर वन कौन है तो लंडन है लिस्ट वन फर्स्ट, फॉलोड बाय मुनिच जर्मनी सीएल साउथ कोरिया रैंक दूरिच स्विटरलैंड रैंक फोर्थ ठीक है हम कौन से पे आए लंडन फर्स्ट आया है और हम हंड्रेड एंड थर्ड अब ये क्या है क्यों है ऐसा क्यों आया है और ये किस बेसिस पे इन्होंने रैंक दी है हम आगे समझते हैं द कुस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग प्रोवाइड्स इंडिपेंडेंट डेटा रिलेटिंग टू फैक्टर्स दैट आर रिलेवेंट टू स्टूडेंट्स टेकिंग देयर स्टडी डिसीजंस स्टडी yeah, डिसीजन किसको क्या बनना है कुछ थोपा ना गया हो पेरेंट्स के द्वारा उनके दिमाग में पहले से ना हो कुछ किसी ने बोला गया हो कि भाई मैथ्स लो जे करो आईआईटी आई टी के लेकर जाओ या फिर आप आर्ट्स लो यूपीएससी की तैयारी करो एंड ये चीज़ें काफी दूर नहीं वो खुद से अपना दिमाग लगाते हैं और सेल्फली इंडिपेंडेंटली टेक देयर ओन डिसीजन उसके बेसिस पे ये है फैक्टर्स इंक्लूड स्टैंडर्ड ऑफ़ यूनिवर्सिटी इसमें क्या क्या फैक्टर्स तो स्टैंडर्ड ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ हमारे लिए थोड़ी सी शर्म की बातें पढ़ते पढ़ते लेकिन आप समझ सकते हैं आगे फैक्टर्स इंक्लूड स्टैंडर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी अफोर्डेबिलिटी ना दिस पॉइंट इज वेरी मतलब आप देखो कॉन्ट्राड कर रहे हैं स्टैंडर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी और अफोर्डेबिलिटी फिर भी हम रैंक कौन सी हैं वन हंड्रेड थर्ड क्यों भाई स्टैंडर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी तो अगर आप अफोर्डेबल हो और स्टैंडर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी थोड़ी कम है समझ आता है लेकिन आप अफोर्डेबल भी नहीं हो और स्टैंडर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी भी नहीं है देन क्या हो रहा है कहीं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं कोच तो लूप होल है मूविंग ऑन

कि इस तरीके करंट अफेयर्स ओके ओके एंड ओके लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली यूपीएससी क्या सोच के इन इसमें से क्वेश्चन लेगा थिंक बिकॉज ऑफ दिस बिकॉज ऑफ दिस रिमेंबर दिस पूरी तरीके से याद रखिए ठीक है ठीके? इस तरीके के जो वर्ड्स आते हैं ये आपको फंसाने के लिए होते हैं ये आपको देखने के लिए होते हैं कि आपको पता आपने जेन्यनली पढ़ा है या नहीं ठीक है मूविंग ऑन क्या है ये लेट्स सी इट इज डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाय एरोनोटिकल डेवलपमेंट एस्टेबलिशमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ठीक है वॉट इज एरोनोटिकल स्पेस एरोनोटिकल डेवलपमेंट एरोनोटिकल डेवलपमेंट मतलब कि आपके डिजाइन फॉर द क्राफ्ट एयरक्राफ्ट जो कि डी आर डी ओ ने स्टैब्लिशमेंट इसका एस्टैब्लिशमेंट डी आर डी मतलब डी आर डी ओ कर रहा है इसके डेवलपमेंट इन डिजाइन एंड एवरीथिंग इट ऑफर्स अ रियलिस्टिक थ्रेड सीनेरियो फॉर प्रैक्टिस ऑफ वेपन सिस्टम हैंड्स इट कैन भी यूज एज एन एरियल टारगेट फॉर ऑफ मिसाइल नथिंग टिपिकल इन एट सी बात है एक रियलिस्टिक थ्रेट uh, जो हो सकता है हमारे ऊपर वो प्रैक्टिस ऑफ वेपन के लिए है और इसीलिए एरियल टारगेट्स जैसे कि मिसाइल्स वगैरह जो आते हैं उनको वही uh, हवा के अंदर ही बंद करने के लिए है मूविंग ऑन इट इज़ पावर्ड बाय अ गैस टर्माइल इंजन टू सस्टेन अ लॉन्ग इंड्योरेंस फ्लाइट एट सबसोनिक स्पीड इट इज़ प्रोग्राम फॉर फुल्ली ऑटोनोमस फ्लाइट एंड देयर चेक इज डन यूजिंग अ लैपटॉप बेस्ड ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम लाइक अ वीडियो गेम तब आप बैठे हुए हो उसमें कोई होगा नहीं पायलट वगैरह कुछ होगा नहीं गैस टर्माइन इंजन है ठीक है और ये हवा में जाएगा और हमें हम यहाँ पर एक लैपटॉप के थ्रू देखेंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं है ना कहाँ पर टारगेट आपको करना है कहाँ इस तरीके से मूविंग ऑन इक्विप विथ माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम्स बेस्ड इंटरनल नेविगेशन सिस्टम फॉर नेविगेशन अलॉन्ग विथ फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर फॉर गाइडेंस विथ इंडिजीनियस रेडियो मीटर फॉर वेरी लो एल्टीट्यूड फ्लाइट ओके वेरी लो अल्टीट्यूड फ्राइट डेटा लिंक फॉर इनक्रप्ड कम्युनिकेशन बिटवीन द ग्राउंड कंट्रोल्स स्टेशन एंड टारगेट एयरक्राफ्ट ओके नथिंग वेरी टिपिकल इन इट और जो भी इंपॉर्टेंट था मैं आपको बता चुका हूं बाकी आप सिर्फ सुनते जाइए नाउ एक करंट अफेयर्स आज के टाइम में पिछले कुछ साल से काफी ट्रेंडिंग में है ठीक है किस टाइप के करंट अफेयर्स काफी ट्रेंडिंग में आजकल यूपीएससी पूछ रहा है तो वो है स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स से आजकल बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं बहुत 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 क्वेश्चंस बहुत तो नहीं लेकिन क्वेश्चंस आने लगे हैं

श्री राजीव गांधी जी के ऊपर था जिसको चेंज कर दिया गया इन 2021 किस नाम से मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है ओके मूविंग ऑन इस बारे में हम पढ़ लेते हैं और आगे क्या है इट वॉज फॉर्मली नोन एज राजीव गांधी खेल रत्न आई टोल्ड यू बिफोर क्या कहते थे इट इज़ दाईस्ट स्पोर्टिंग अवार्ड गिवन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ वेस्ट एंड स्पोर्ट्स फॉर द स्पेक्टेकुलर मोस्ट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस द फल्ड ऑफ पोर्ट्स बाई स्पोर्ट्स पर्सन ओवर अरड ऑफ फोर ईयर्स नंबर वन की वर्ड इसका क्या है यहाँ पर किसके द्वारा दिया जाता है ये जल्दी से देखिए मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ठीक है किसको दिया जाता है तो स्पेक्टेक्युलर परफॉर्मेंस है ना आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स बाय अ स्पोर्ट्स पर्सन ओवर अ पीरियड ऑफ फोर ईयर्स ठीक है ये इम्पोर्टेंट है पीरियड ऑफ फोर years, और किसके द्वारा दिया जाता मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स लेजेंड विश्वनाथ आनंद रिमेंबर द नेम कभी भी पूछ सकते हैं कहीं भी पूछ सकते हैं. जनरल नॉलेज ऑल्सो यू शुड नो दैट हुआ विश्वनाथ आनंद ओके अदर अवार्ड्स अर्जुन अवार्ड यहां पर जो दूसरे अवार्ड्स हैं अर्जुन अवार्ड ये कब स्टार्ट हुआ था नाइनटीन में किसको दिया जाता है ये आ, तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट रही थी नेशनल स्पोर्ट्स में उसे दिया जाता है ठीक है फिर द्रोणाचार्य अवार्ड द्रोणाचार्य कौन थे अर्जुन के गुरु थे ठीक है तो कौन थे गुरु थे ना टीचर तो ये किसको दिया जाएगा टीचर को दिया जाएगा फिर ध्यानचंद अवार्ड मतलब आप जब रिटायरमेंट के बाद भी अगर उसी स्पोर्ट को कॉन्ट्रीब्यूट करते हो तो आपको ध्यानचंद अवार्ड दिया जाता है ठीक है तो इसलिए ये राजीव गांधी खेल अवार्ड्स जो पहले नाम था अब इसका नाम बदल बदल दिया गया इसलिए ये कुछ सुर्खियों में पिछले कुछ टाइम से है फ्रॉम ट्वेंटी ट्वेंटी वन से ये जुलाई में भी था जुलाई में भी था इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है ठीक है मूविंग ऑन इसके अलावा भी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी ठीक है यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटीज़ के जो भी इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स होते हैं उनके लिए दिया जाता है फिर टेन्जिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड ठीक है ये हर साल दिया जाता है आ, उस उस व्यक्ति को दिया जाता है जो एडवेंचर की फील्ड में जैसा कि अवार्ड के नाम से ही पता चल रहा है टू इंकरेज यंग पीपल टू डेवलप द स्पिरिट ऑफ एंड रिस्क टेकिंग कॉम्परेटिव टीम वर्क एंड क्विक रेडी एंड इफेक्टिव रिफ्लेक्सिक्स इन चैलेंज सिचुएशंस ठीक है सो so, यहाँ पर आज हमारा करेंट अफेयर का सेशन यहीं पर हम स्टॉप करते हैं ये फर्स्ट जुलाई से लेके के सेवेंथ ऑफ जुलाई तक के मेरे अनुसार इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे जो कि शायद यूपीएससी 2023 में फिल्मस में आ सकते हैं हम जल्दी दूसरे वीडियो के साथ आएंगे जिसमें हम बात करेंगे एट्थ से लेके फिफ्टीन जुलाई तक के सो स्टे ट्यून्ड आपका कोई भी डाउट हो आप एग्जैक्ट टाइस के नंबर पर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए चैनल को बिल्कुल जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब कीजिए एंड वी विल मीट वेरी सून विथ अ न्यू वीडियो till then best of luck keep studying and uh, all the very best for your prelims 2023